हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, एक बार फिर हो जाइए तैयार, 25,000 नौकरी आ रही है आपके द्वार। तो दोस्तों पूरी अपडेट को जानेंगे। मुख्यमंत्री साहब ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, 25,000 नौकरी आप सभी के लिए आने वाली है और आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रकाशित की गई है। पूरी न्यूज़ को आपको पढ़ के सुनाते हैं और दिखाते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सती राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज एक या दो वीडियो जो भी या जो से जुड़ा जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अच्छी न्यूज़ है, वीडियो को लाइक करना आपका बनता है, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं हम आज की न्यूज़ पर। तो यहां पे दोस्तों न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रकाशित की गई है, यहां पे आपको बड़ा ये मैं साइज करके दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर देखिए, रात तक चली विधानसभा 25,000 नई नौकरियां। तो दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी यह है कि 25,000 नौकरियों की घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने कर दी है। यहां पर पूरी न्यूज पढ़ सकते हैं आप। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं बल्कि अपने समय पर होंगे। दोस्तों यहां पे आपको बता देते हैं कि आपके जो लोकसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव है वे एक साथ नहीं होने वाले हैं, एक आपके अप्रैल में होंगे और फिर उसके बाद में आपके दूसरे जो चुनाव हैं वो 9वें या 10वें महीने के आसपास होंगे। ठीक है, तो आपको अभी यानी कि हरियाणा में और वैकेंसी आने के चांसेज हैं आपके लिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरकार भविष्य में करीब 25,000 नौकरियां देने की तैयारी में है। दोस्तों हाँ दोस्तों, आप सही पढ़ रहे हैं, 25,000 नौकरियां और आपके लिए आने वाली है। मुख्यमंत्री साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है, एक बार फिर तीर छोड़ दिया है कि हरियाणा में या हमारे सरकार जो अभी की सरकार है वो सरकार दोबारा से हमारे सामने आई। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी की 18,000 नौकरियां देकर सरकार ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया बल्कि हमारी सरकार ने योग्यता के आधार पर रोजगार दिया है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट बस यही है कि 25,000 नौकरियां देने की घोषणा आपके आने वाले टाइम में हरियाणा में निकाली जाएगी। दोस्तों आप सभी के लिए यही न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी। ठीक है, तो ये आप पूरी पढ़ सकते हैं आगे इन्होंने क्या बताया है। ठीक है, आगे इन्होंने ये बताया कि जो हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती हुई है, शहर से कितने लोग, शहर से लगभग 3,000 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया है और गांव से लगभग 13,000 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। सीएम का ऐलान, एक साथ नहीं होंगे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। ग्रुप डी में 8,000 युवक, 12वीं पास, 3,000 10वीं पास। दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपने यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।